काकी। बहुत दिन हो गया मुझे काकी से मिलने। जब मैं बचपन में थी तो काकी मुझे कितना प्यार देती थी, कभी एहसास नहीं होने दी कि मेरे माँ बाप नहीं है। काकी से हमें बहुत प्यार मिला और आज 4 दिन से काकी का इतना याद आ रहा है कि मैं काकी से मिलूँ। अब चलती हूँ, भाई से पूछूंगी, उसके बाद मैं आज काकी से मिलने जरूर जाऊंगी। भाई क्या कर रहे हो तुम? बस पुआर वहाँ पर आया था। भाई मेरा मन कर रहा है कि आज मैं जाऊं काकी से मिल आऊं। बहुत बूढ़ी हो गई है। अरे बूढ़ी हो गई है तो क्या मुझे पहचाने की नहीं? पहचान जरूर लगी, बहुत दिन हो गए, जाकर अच्छा मिलना। लेकिन एक बात है। क्या है भाई? बचा जाओ। ऐसा है ना भाई, आज मालूम नहीं क्यों मुझे इतना काकी का याद आ रहा है। आज 4 दिन से मुझे याद आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि मैं काकी से तुरंत मिलूं और उनके गले लग जाऊं। जा जा तो मिल ले जा। तो भाई एक बात और बोलो। हाँ बोलो। अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो मैं रुक सकती हूँ काकी? नहीं नहीं रुकू मत, रुकू मत। ठीक है भाई, जा रही हूँ। इसलिए इतना मन लगा है कि बचपन में जब मम्मी पापा नहीं थे, हम दोनों को कभी नहीं काकी एहसास होने दी कि माँ बाप नहीं है हम दोनों। काकी बढ़िया बटे, आज बुढ़ाई के बटे, आज भी इज्जत दे, ऐसी बात ना बटे। काकी बहुत बढ़िया बटे, माई मान लो देखे ना रहू, काकी बहुत बढ़िया बटे। ठीक है भाई, तो मैं जाऊँ? हाँ लेकिन झगड़ा मत कर काकी से। नहीं नहीं काकी, तो मुझे पहचानेगी तब तो। हाँ पहचान लेगी, जब देखी तो बचपन में थी मैं। हाँ समझ, घर चले जाओ। ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ। जा निकल जा। बाय बाय। कपड़ा उतार ली है, अकेले की जिंदगी है बहुत। अरे वाह काकी, वहाँ कपड़ा उतार रही हैं, मैं काकी से पहले गले लग जाऊं। पाला जी काकी सर। काकी पहचान ना है बिटिया तो? हाँ काकी, हम वही पूजा हूँ जो बचपन में मुझको सेब पाल के इतनी बड़ी कर। उधर क्या देख रही हो, क्या सोच रही हो? मैं वही पूजा हूँ, देखो तो। पूजा? हाँ काकी मैं पूजा हूँ। किन्हें नाई बिटिया तो है? अरे काकी ऐसे कैसे तुम मुझे नहीं पहचानी? बचपन में तो जो मेरे माँ बाप से प्यार नहीं मिला, वो प्यार तो आपसे मिला, फिर भी आप मुझे नहीं पहचानी एक झटके में। बहुत दिन हो गए बिटिया, बहुत दिन हो गए, देखे कैसे चिन पाई हम। काकी कब से मेरा मन लगा था कि मैं काकी से मिलने जाऊंगी, पर क्या करी नहीं आ पा रही थी। आज भाई से बोली तो भाई बोला कि जाओ मिल के आओ तुम काकी से। ठीक है बिटिया। भाई बोल रहा था काकी तुम्हें पहचानेगी नहीं, तुम इतनी बड़ी हो गई हो। अब छोटी रहो बिटिया, तब के देखती रही है, तब से तो हमसे दूर हो गई, तो कैसे मिली? और ये बताओ काकी, ये सब काम करने की क्या जरूरत है तुमको? बहू मैं बाहर ना निकलता है। बाहर निकालो, अगर अभी से सर पे चढ़ा के रखोगी ना, वही बहू बाद में तुम्हें बहुत परेशान करेगी। काकी बहू से सारा काम करवाया करो, अब तुम सिर पे खाट पे बैठ के खाना खाया करो। काकी चलो, कहाँ है तुम्हारी बहू? घर है। घर वही है, एक बदला बदला है घर, वह है बिटिया। अच्छा काकी चलो। काकी जब हम तुम्हारे बारे में सोचती थी मुझे बहुत याद आता था तुम्हारा, मेरा मन करता था कब मैं आपसे मिलूं। चला बिटिया चला बैठे अब। हाँ पहले आप बैठिए काकी, मैं बैठ रही हूँ। तो आप बताओ काकी कैसी हो तुम? हम तो बहुत ठीक है बिटिया, आपन बताओ। मैं भी ठीक हूँ। आपका प्यार आपका परवरिश इतना अच्छा था कि हमें आज बहुत अच्छा बनाया है काकी। मैं पढ़ने लिखने में स्कूल में एकदम टॉप टॉप हूँ। बहुत अच्छी बिटिया, बहुत अच्छी है। कहाँ करे बिटिया, बुढ़ावती शरीर होगी, बाप थोड़ा थोड़ा दुख तो रहा भी करे। हाँ दुख तो रहेगा काकी, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी पूजा रहेगी तब तक तुम्हारी ख्याल रखेगी, किसी चीज की तुम्हें कमी हो तो काकी बिंदास मुझसे बताया करो। मिटिया हमसे बहुत दूर रहेगी है। अरे दूर है पर दिल से दूर नहीं है काकी, हम हमेशा याद करती हूँ आपको। हाँ मऊ याद कर बिटिए, मऊ याद कर। वैसे काकी एक बात बताऊँ, मैं जब हम सोचती हूँ ना मुझे बहुत रोना आता है काकी, कि बचपन में बताओ आजकल कोई किसी का होता नहीं है, लेकिन जब मेरी मम्मी पापा दोनों इस दुनिया में नहीं थे,
आपने मुझे बचपन से इतना दुलार इतना पाल पोस के बड़ा कर दी, मैं वो एहसान कभी नहीं भूल सकती तुम्हारा। अरे बिटिया हम आज नातिन रहो ना तो हम कैसे तुम भूल जाब, वही चीज माय बात तो भगवान को प्यारा हो गया। बाकी हम तो भाई जिंदा है ना तो आज सेवा सत्कार कर गए, अब हम तो आज शादी करब बिटिया। हाँ दादी आप तो मेरी शादी होगी। हाँ, अब मैं बड़ी हो गई। हाँ, तो आज शादी करब। मैं कॉलेज जा रही थी, मेरे मन में ऐसा आया कि मैं आज काकी से ही पहले मिल लूं, तो भाई से बोली, भाई बोला कि ठीक है तू चल जा काकी के घर, तो मैं चले आई। काकी बुरा मत मानना, जब आपकी बहू आई थी ना, आप कार्ड भेजवाई थी ना, उस समय मैं घर पे नहीं थी काकी, मेरी पढ़ाई चल रही थी, पेपर हो रहा था। अच्छा। हाँ तो मैं बोली, मैं सोची अपने मन में कि काकी कहीं रूठ ना जाए कि शादी में नहीं आई, मेरे बहू को देखने के लिए नहीं आई, तो काकी मैं ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में, मैं आ गई हूँ। बिटिया बिटिया माँ पढ़े चली गई, कहे रूठ जा रही है अपने बिटिया को, इतने दुलार प्यार दे रही है। लेकिन काकी अब तुम ना ज्यादा काम उम मत किया करो, आराम से खाट पे बैठा करो, बहू से खाना मंगवाया करो, खाट पे बैठ के खाया करो। जानती हो काकी आजकल का जमाना बहुत खराब चल रहा है, कोई बेटा माँ बाप के नहीं हो रहे हैं। नहीं मैं मार बहुत होता है। अभी हो रही है ना, जब सर पे चढ़ा के रखोगी ना तो एक दिन भी वो ऐसे करने लगेगी, देखी देखा। नहीं नहीं वो ऐसा हमार बहू ना अभी बाहर ना जब दिए। अच्छी बात है काकी, घर को बहू को ऐसे ही लक्ष्मी समझ के रखना चाहिए। और कहाँ है भाभी, हमको भी तो मिलना है भाभी से। चला घर में चलो। हाँ चला आओ काकी। दुल्हन दुल्हन। हाँ मम्मी। अरे आवा देखा, यहाँ हमारी बिट्टी आए है ना। आवा कौन बिट्टी आई है, हम तो जानबो नहीं करती। आवत है। नमस्ते भाभी, मेरा पैर मत छुओ, मैं आपसे छोटी हूँ। चलो घर में बैठो ना। यहाँ नहीं नहीं घर में नहीं काकी, जब हम छोटी थी तो यहीं बैठ के खाना खाते। बैठो काकी यहीं पे, हम जब छोटी थे तो यहीं पे बैठ के खाना खाते थे ना। देखा ये। और भाभी कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो तुम? खाना वाना नहीं खाती हो का, इतनी पतली काय हो रही हो? वाह गजब की है, बहुत सुंदर है काकी। कहाँ से ढूंढ के लाई हो इसको? बहुत दूर से। बहुत दूर ढूंढ के ले आई बिटिया। वो अनकारी का खाना वाना बनाने सब आता है ना? हाँ सब आता है। काकी से लड़ाई उड़ाई तो नहीं करती हो? नहीं। अच्छी बहू है काकी। हमारे बहू लड़ाई नहीं करता, हमारे बहू बहू सीधी सादी है, इसे एकदम गऊ। गऊ तो हमारी काकी थी तो बहू काहे नहीं रहेगी ना काकी। हाँ मैं भी जब मेरी शादी होगी ना, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी तो ऐसी गऊ बन गई। मम्मी ये कौन है? ये बिटिया हमको नहीं हमारे बारे में कभी बताई नहीं काकी का। जब कभी यहाँ आते ना बिटिया, कैसे बताए पता हो सपने। ये बिटिया यहाँ है, हम आपके ननद हैं। ये तहार बड़ी ननद है और हमारे जेठाउत के लड़की है, जो बड़े पापा है मम्मी जो खत्म हो गया है। भाभी बचपन में मेरे मम्मी पापा हमको छोड़ के चले गए इस दुनिया से, तो काकी थी मेरी परवरिश की। और तुम कहाँ पर रहते हो? हम लखनऊ में रहती हूँ, मेरे भाई हैं, मैं हूँ, दोनों पढ़ाई करते हैं वहाँ पे। अच्छा कितने भाई बहन हो? काकी कुछ भी नहीं बताई हो। बेटिया दो ही जने हैं। हम दो ही लोग थे तब से, तो माई बाप दोनों गुजर गए। उतना दूर पढ़ाई करने गए थी क्या? अच्छी बात है। वही मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। ये छोटी है, भाई बड़ा हो गया है, तो भाई भी आएगा मिलने के लिए। ऐसा था काकी अगर आ जाते ना तो वहाँ कौन देखता, इसलिए भाई नहीं आया। ऐसा है ना कि थोड़ा बहुत काम काज दूसरे का कर लेते हैं तो नहीं सही बिटिया, जांगे बचा काम नहीं चला। वही चीज काकी, जो संस्कार आप दिए हो ना उसी संस्कार पे हम लोग चल रहे हैं। जा बिटिया इसके पानी लिया अपने दीदी के। नहीं रहने दीजिए भाभी, पानी नहीं पीऊंगी, प्यास नहीं लगी है काकी। अच्छा। अभी रास्ते में नाश्ता वास्ता कर लिए थे ना। अच्छा। तो प्यास नहीं लगी थी, बस तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। अब बिटिया महीना दो बार आ जावा करा कम से कम, नहीं जब टाइम पास तब आ जावा करा। अच्छा तो काकी अब मेरे लिए भी लड़का उड़का ढूंढो शादी करने के लिए, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। बिटिया जाना चाहिए काकी, क्या है ना कि आज के बहुत धूमधाम से होगा तुम्हारा शादी। वाह भाभी बोल रही है तो होगा धूमधाम से शादी। काकी क्या है ना आजकल के जो चल रहा है माहौल ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सोचती हूँ
कम से कम शादी ब्याह हो जाएगा, मैं अपने घर से पढ़ाई करूंगी, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। नहीं नहीं, हम बिटिए शादी है, 100 साल तो हाथ पीट कराऊंगा। ठीक है काकी, अब जिए जिंदगी अपने हाथ पाव पूछ दी है तब नहीं हम जहाँ रही तहाँ एकदम सुखी रहे, कि मार बिटिए अपने घरे पतो अपने घरे सब सुखी रही है। सच में बताऊँ काकी, जब ना तुमको देखती हूँ ना सारा दर्द भूल जाता है, मम्मी पापा का याद आता है ना, तो जब आपको दिल से याद करती हूँ ना, मम्मी पापा चीज से भी हट जाते हैं जितना आपको मैं याद करती हूँ। बस मैं बिटी है, बस मैं माई बाप छोड़ गया था मैं रहे ना, अब एक दुख हमें उठावे बदल रहा, जब तक के दुख उठाए लिए तो हंस के छोड़ दिया पढ़ाई करे बदे। चलो काकी कोई बात नहीं, भाभी मैं तो यही कहूँगी काकी का ख्याल रखना, काकी बहुत अच्छी हैं, सब बहुएं जैसी तुम मत होना, जैसे सबकी बहू कर रही हैं, जैसे काकी अब तुम भी अच्छे से रहना, का है कि अब इससे है बिटिया मम्मी बहुत अच्छी है। बड़े भाई यहाँ तो है नहीं, बाहर हैं, अगर आपको दुख तकलीफ पड़ेगा कौन देखेगा, तुम ज्यादा शीत उत में काम मत किया करो, ठंडी पड़ रही है, जुकाम हो जाएगा। बस ये भाई बचा के रही थे, अब इनके बाहर ना जाए बिटिया। अच्छा बाहर नहीं जाती भाभी, अच्छी बात है भाई। भाभी जैसी काकी तुम्हारा ख्याल रख रही है वैसे तुम काकी का ख्याल रखना, कभी किसी चीज का दुख मत देना काकी को, और जैसे तुम करोगी वैसे आगे चल के तुमको सुखी सुखी रहना है, ठीक है भाभी? हाँ। अच्छा चला बिटिया चला खटिया का आराम करें काकी, अब हम चलेंगे, अभी मत जाओ आज। अरे नहीं अब फिर आएंगे ना भाभी, तब रहेंगे, अभी तो टाइम नहीं है, बस भाई से बोल के आई, काकी से मिल के आ रही हूँ। गाँव भूल गई, मन नहीं कर रहा इसका। बहुत अच्छा लगा बिटिया आएंगे, बहुत अच्छा लगा मुझे, पहले तो हम चीज ना देखते माँ बचपन बारे कि हमारी है बिटिया है पूजा हो कहा है, एक हमारे नातिन बाटी छोटी की ना वो डरानी के, तो वो एक बिटिया छोटी है तो वो है हाथ हमें लाग रहा था, हम देखे हम एकदम जग गए हम कि हमारे पूजा कहाँ से आई गई है। नहीं काकी हमें भी बहुत याद आता है, अपना बचपना याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत याद आता है। भाई को साथ में लेकर आना आप। ठीक है मैं भाई बहन दोनों साथ में आऊंगी, और काकी तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? हाँ ठीक है, हम ख्याल रख। बहुत अच्छा लगा काकी आपसे मिलके, इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊँ, अब जाने का मन नहीं कर रहा है कि हम तुमको छोड़ दें। बिटिया ना तुम तो तुम एक भाभी आ गई, ये भी मेरा भी मन नहीं कर रहा है, तुम जाओ यही रहो मैं। अरे बिटिया जा चाय बना के ले आओ, जा रहे हैं। ठीक है भाभी, अगर तुम्हारा मन है तो टेस्टी चाय बढ़िया चाय लेके आओ। हाँ। मेरे हाथ पियोगी मस्त हो जाओगी। ठीक है जाओ लेके आओ, आज हम भाभी के हाथ से चाय पी लेंगे, वैसे तो मेरी काकी तो बचपन में बहुत पियाई थी। काकी अच्छा चला बिटिया यहाँ थोड़ा घूम टहल जाए। हाँ काकी सही कह रही हो, चला थोड़ा घूम टहला तब तब। वैसे काकी यहाँ आके ना बहुत अच्छा लगा, कितने दिन के बाद। अच्छा काकी यहाँ के हमें सब लोग पहचान लेंगे कि मैं पूजा हूँ? बिटिया बताओ एक परे, इतनी छोटी थी जब थी यहाँ पे, इतनी बड़ी जाओ बिटिया तब इतनी बड़ी हो गई, हम उससे बड़ी तो अपने काकी से मैं कितनी बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गया भाभी, टेस्टी चाय बनाना ठीक है, अदरक वाली वही चाय मुझे पसंद है। चलो चलो थोड़ा घूम, कहाँ चलें काकी, मुझे भी आप सब बोलेंगे तो मैं भी नहीं पहचान पाऊंगी ना किसी को। हाँ अरे क्या लगे न लिया जा, चलो थोड़ा खेत पिया देख ले अपन। चना उना बोया है? हाँ। वैसे काकी सब बदल गया है एकदम। बैठे बिटिया खटिया पर। काकी हम तो कह रहे थे ना कि अब अगली बार आएंगे तब चलेंगे खेत में चना खाने के लिए। बिटिया थक गई है बहुत। हाँ, थक भी गए हैं काकी, फिर जाना है मुझे, नहीं तो भाई इंतजार करेगा। बोली थी मैं रुक जाऊंगी तो बोले नहीं अभी पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद तुम्हें एक महीने की छुट्टी जब मिलेगी तब जाना काकी के पास। बड़ी थकाई लग गया था, देखा धान पिट के इसे में गाजा बाटी है या बोरा भर भर रखा बाटी है, अब एक कुल भाई होता भाई बनवाई की बात है। चलो बढ़िया है काकी, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी जल्दी करो मुझे लेट होगा, अभी तो चाय नहीं लेके आ रही है। आओ भाई गेला के अभी बना रही है, थोड़ा ध्यान देना भाभी के ऊपर, अच्छी बहू है, कितनी बढ़िया सी बोल रही है, बहुत प्यारी बिटिया। दूध दूध भैंस वैस तो है नहीं, मोल का दूध आता होगा। हाँ, काकी हाँ। चलो बढ़िया है, वैसे काकी चाय तो बहुत बढ़िया है। हाँ।
हाँ बहुत अच्छी चाय बनाई हो। ऐसे बनवाती मिलती है चाय? वैसे भाभी सच कहूँ आपके हाथ में कला है, कला बहुत अच्छा चाय लगा। और पियो बाकी हम निकलेंगे, बहुत देर हो रहा है। ज़्यादा चाय पीती है बाकी, थोड़ा ठंडा हो जाए। कुछ खाई नहीं, अब अगली बार आऊंगी ना तुम्हारे हाथ से खाना खा के मैं जाऊंगी। अच्छा काकी मैं चाय पी ली, अब मैं चलूंगी। मौ पी ले थाई है। जल्दी जल्दी पी लो, उसके बाद चलेंगे काकी, फिर आएंगे तो दो चार दिन रहेंगे, ठीक है? और अपना ख्याल रखा करो। और भाभी तुम कपड़ा वपड़ा कचार दिया करो, अच्छे से सेवा वा कर दिया करो। मैं सब करती हूँ। अच्छा, मम्मी बोलती है कभी डायरी है तो? हाँ मेरी डायरी यही पे है। अभी मैं जाऊंगी फीस भी जमा कर, जमा करके उसके बाद रूम पे जाऊंगी। क्या छोड़ देता है, ठीक है काकी, चलो चपक पाई ला। चल मैं जा रही हूँ घर में। नहीं मेरा पैर मत छुओ। बाय भाभी, बाय। तुम जाओ अंदर। जा रही हूँ, बाय बाय काकी, आओ।